इस बिल को लेकर के सोनिया गांधी की तरफ से सरकार से 5 सवाल अहम पूछे गए हैं और निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया उन आरोपों को लेकर के यहां पर सरकार को घेरती नजर आई सोनिया गांधी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। महिला आरक्षण पर जो संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है, सोनिया गांधी ने पहली बार बिल राजीव जी लेकर के आए थे, इस बात का जिक्र किया बिल लाने में इंतजार इतना क्यों हुआ, तो सोनिया गांधी ने श्रेय लेने की कोशिश की। निशिकांत दुबे की तरफ से, बीजेपी के सांसद की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कांग्रेस पार्टी पर और सीधा हमला सोनिया गांधी पर, बिल के रास्ते की रुकावट दूर हो सोनिया गांधी ने अपील की, तो बीजेपी की तरफ से रिप्लाई आता जो गोल मारता है क्रेडिट उसी को जाता है ये, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में बिल सामने लाया गया है। इसके अलावा बिल में देरी, महिलाओं से नाइंसाफी, कांग्रेस ने इसे करार दिया, सोनिया गांधी ने ये बातें कही, तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा यहां गीता मुखर्जी सुषमा स्वराज को श्रेय इसका जाता है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं बिल में, देरी, महिलाओं के साथ नाइंसाफी कांग्रेस की तरफ से, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का नहीं है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि ये कांग्रेस की देन नहीं है। Z News.